हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति, जो आपको लेकर आती रहती हूं अमेजिंग सी रेमेडी। आज फिर से मैं लेकर आई हूं एक बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडी। आप हैरान हो जाएंगे अपने बालों को देखकर। आपके बालों के लिए रेमेडी है। आपको पता है आपके बालों में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी डल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं बाल, या झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर स्मूथ नहीं रहते, सिल्की नहीं रहते, या फिर बढ़ते नहीं हैं। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज इतनी अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आई हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे न्यू व्यूवर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैंने आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर किया है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक बाउल, और उसमें हम लेंगे हिबिस्कस पाउडर 3 चम्मच। मेरे पास हिबिस्कस पाउडर अवेलेबल था, मेरे पास फूल अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये पाउडर यूज़ किया। अगर आपको भी ये पाउडर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और परचेज़ कर लेना। तो 3 चम्मच ये लिया है मैंने। अगर आपके पास फूल होंगे हिबिस्कस के, तो आप 10 से 12 पत्तियाँ और 4 से 5 फूल लेकर उनको पीस कर भी उसका पेस्ट बना सकते हैं। तो सेकंड हम लेंगे एलोवेरा जेल 3 चम्मच। हम एलोवेरा जेल भी 3 चम्मच लेंगे। आपको पता है एलोवेरा जेल कितना स्मूथ होता है, हमारे बालों को कितना सिल्की सॉफ्ट बना देता है। अगर हम खाली एलोवेरा जेल भी यूज़ करते हैं तो हमारे बाल कितने सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम इसके साथ मिला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे गुलाब जल। गुलाब जल एंटी बैक्टीरियल होता है, हमारे अगर स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारे बालों में तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा। तो गुलाब जल लिया है हमने 2 चम्मच। नेक्स्ट हम लेंगे लेमन, हाफ लेमन लेंगे। मेरे पास हाफ लेमन के ही 2 पीस हुए हुए थे तो मैंने दोनों पीस डाल दिए हैं। आप भी हाफ लेमन डाल लेना इसके अंदर। ये हमारे हेयर में अगर कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी ड्राई स्किन हो रही हो, कुछ भी होगा, तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा, डैंड्रफ नहीं होने देगा। तो देखिए, हमने लेमन इसमें डाल लिया है और बीज अगर डल गया तो उसे निकाल लेंगे। मैंने इसको निकाल लिया था बाद में। तो हम इसको मिक्स करेंगे और अब हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी हम सिर्फ उतना पानी ऐड करेंगे इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए। हम इसका बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ये हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट बना देगा, हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो हो रही होगी उनको दूर करेगा, और साथ ही साथ अगर हमारे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हमारे बालों में कलर भी देगा, बिल्कुल हल्का हल्का सा कलर देगा। तो देखिए, मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, एकदम मेरा स्मूथ सा पेस्ट हो चुका है तैयार। तो अब मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। जैसे मैं अप्लाई करूंगी आप भी एक्जैक्ट ऐसे ही अप्लाई कीजिएगा। किसी भी हेयर पैक को लगाने से पहले हमें अपने बाल हमेशा कॉम करने चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि बाल कॉम करे बिना कोई हेयर पैक या कोई हेयर ऑयल कुछ भी नहीं लगाना चाहिए अपने बालों में। तो मैंने अपने गले पर टॉवल डाल दिया ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, पूरे स्कैल्प पे इसको अच्छे से अप्लाई करना और हेयर लेंथ पे पूरा अच्छे से अप्लाई करना, ताकि बालों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो जाएँ। मैं इसको पूरा अच्छे से अप्लाई करूँगी और मैं इसको 1 से 1.5 घंटे रखूँगी अपने बालों में। आप भी 1 से 1.5 घंटा रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, इतना काफ़ी होगा। तो 1 से 1.5 घंटा रखेंगे और उसके बाद हम अपने हेड वॉश कर लेंगे, और मैं अपने हेड वॉश के बाद अपना रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप देखिएगा अभी आगे, देखिए मैंने लगा लिया इसको। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है और ये देखिए मेरे बालों में कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। देखिए कैसी शाइन आ रही है और कितने स्मूथ मेरे बाल हो गए हैं। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकेगा आपकी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, और हेयर को बढ़ने में बहुत बहुत हेल्प करेगा, कि बालों को स्मूथ सिल्की शाइनी बनाने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग रिज़ल्ट है। देखिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया, देखिए मेरे बाल कैसे स्ट्रेट लग रहे हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये बनाइएगा और यूज़ करके मेरे साथ अपने रिज़ल्ट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।